मैच जीता भारत ने, मजाक उड़ गया पाकिस्तान का, बड़बोले पाकिस्तान की खुल गई बड़ी पोल। जो काम टीम इंडिया ने करके दिखाया, पाकिस्तान सपने में भी नहीं सोच पाया, भारत से सीखनी चाहिए ये बात। अब टीम इंडिया को क्यों कहा जा रहा है विश्व चैंपियन, अब ये तीन हथियार करेंगे बेड़ा पार। न्यूजीलैंड के खिलाफ टीम इंडिया ने जिस अंदाज में दूसरा वनडे मैच जीता, जिस तरीके से टीम ने कीवी टीम को धूल चटाई, उसके बाद भारत में जश्न मन रहा था तो पाकिस्तान का मजाक उड़ाया जा रहा था। पाकिस्तान का मुंह काला हो गया और खुल गई बड़बोले पाकिस्तान की सबसे बड़ी पोल, क्योंकि जो काम टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड के खिलाफ करके दिखाया, उसे वो सपने में भी नहीं सोच पाया। साथ ही पाकिस्तान को अब भारत से तुलना करने की बजाय ये बात सीखनी चाहिए, तभी उसका भला हो सकता है। चलिए सबसे पहले हम आपको टीम इंडिया की अनोखी जीत की कहानी बताते हैं, उसके बाद खोलेंगे पाकिस्तान के मजाक की वो पोल जिसके बारे में इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। साथ ही टीम इंडिया के उन तीन हथियारों के बारे में भी बताएंगे जो टीम इंडिया को विश्व कप जिताएंगे। पहला मैच जीतकर टीम इंडिया जब दूसरे मैच के लिए रायपुर पहुंची तो लग रहा था कि पहले मैच की तरह दूसरे मैच में भी कीवी टीम टक्कर देगी। मैच से पहले ही टॉस के वक्त रोहित ने कीवी टीम के कप्तान लैथम के साथ मजाक करके साफ कर दिया था कि आज नए मैदान पर टीम इंडिया नए जोश के साथ मैदान पर उतरने वाली है। मैदान पर उतरते ही शमी ने कहर बरपाना शुरू कर दिया। पहले ही ओवर में शमी ने कीवी टीम को पहला झटका देकर इरादे साफ कर दिए। सिराज ने शमी का साथ देना शुरू किया। दोनों गेंदबाजों ने कीवी टीम के पैर जमने से पहले उखाड़ दिए। आलम यह था कि शुरुआती 10 ओवर में ही न्यूजीलैंड की आधी टीम पवेलियन जा चुकी थी। न्यूजीलैंड की इस हालत को देखकर लोगों ने पाकिस्तान के मजे लेने शुरू कर दिए। जैसे जैसे कीवी टीम के बल्लेबाज वापस जा रहे थे, पाकिस्तान के कारनामे बाहर आ रहे थे। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि आखिर न्यूजीलैंड की हार के बाद पाकिस्तान का मजाक क्यों उड़ा, तो सुनिए। दरअसल जो कीवी टीम इस वक्त भारत में खेल रही है, वो कुछ दिनों पहले पाकिस्तान के दौरे पर थी। यही टीम, यही बल्लेबाज, लेकिन नतीजे बिल्कुल अलग थे। जो कीवी टीम भारत के सामने घुटने टेकने पर मजबूर है, उस न्यूजीलैंड की टीम ने पाकिस्तान की हालत खराब कर दी थी। जो पाकिस्तान की टीम अपने गेंदबाजों पर घमंड करती है, बड़ी बड़ी बातें करती है, बड़बोले बयान देती है, उन गेंदबाजों की न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों ने धमकर धुनाई की थी। आलम यह हो गया था कि अपने ही घर में पाकिस्तान को हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन वहीं दूसरी तरफ टीम इंडिया ने अपने घर में न्यूजीलैंड की ऐसी धुनाई की जिसे वो ताउम्र नहीं भूल पाएगी। न्यूजीलैंड की इस खराब हालत को देखकर फैंस को पाकिस्तान की हालत याद आ गई और सोशल मीडिया पर पाकिस्तान का मजाक बन गया। अब बात यह है कि पाकिस्तान को भारत से क्या सीखना चाहिए, तो सबसे पहले बड़बोले पाकिस्तान को कम बोलना सीखना चाहिए, अपने मुंह से खुद अपनी तारीफ कम करनी चाहिए और बेहतर प्रदर्शन पर ध्यान देना चाहिए। टीम इंडिया की इस जीत के बाद बात उन तीन खिलाड़ियों की करेंगे जिनके दम पर टीम इंडिया को इस बार चैंपियन कहा जा रहा है। दरअसल साल 2023 की शुरुआत से अगर देखा जाए तो तीन खिलाड़ी ऐसे रहे जिनके प्रदर्शन की सबसे ज्यादा चर्चा हुई। सबसे पहले शुभमन गिल के शतक की चर्चा हुई, जिसके बाद ये कहा गया कि गिल अपने बल्ले के दम पर विश्व कप में कमाल करने वाले हैं। दूसरी चर्चा हुई मोहम्मद सिराज की गेंदबाजी की। सिराज ने जिस अंदाज में नए साल की शुरुआत की है वो कमाल है। उसने विपक्षी टीमों को परेशान किया है तो टीम इंडिया की गेंदबाजी को मजबूत करके संकेत दे दिए कि इस बार हमारी गेंदबाजी दमदार होगी। और तीसरे खिलाड़ी के तौर पर हम विराट कोहली और शमी को रख सकते हैं। दोनों खिलाड़ियों ने अपने प्रदर्शन से तूफान मचाया है, टीम इंडिया को मैच जिताए हैं और ये आने वाले भविष्य के तौर पर संकेत दे दिए कि आने वाला वनडे वर्ल्ड कप हमारा होगा। टीम इंडिया के इस प्रदर्शन पर आपका क्या कहना है और आप इस जीत के बाद पाकिस्तान को क्या सलाह देना चाहेंगे, कमेंट करके जरूर बताइएगा।